दोस्तों आज हम जानेंगे इंटर्नशिप पाने के लिए 3 बेस्ट वेबसाइट्स कौन सी हैं, क्या होता है इंटर्नशिप, कैसे आप अपने लिए जल्दी और आसानी से एक अच्छा इंटर्नशिप पा सकते हो और अपने करियर को एक नई उड़ान दे सकते हो। एक सर्वे के अनुसार यदि किसी स्टूडेंट के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो तो उसको कंपनी के द्वारा हायर होने के 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बिना जॉब के एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, तो इसका जवाब है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप वो एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप किसी कंपनी में 2 से 6 महीने के लिए जाकर रियल प्रोजेक्ट पे एक मेंटर की देखरेख में काम करते हो और प्रैक्टिकल स्किल हासिल करते हो। आप किसी भी फील्ड में इंटर्नशिप कर सकते हो। इंटर्नशिप के दौरान आपको स्टाइफन यानी कुछ पैसे भी मिलते हैं। अगर आप जस्ट डिग्री, डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट किए हो और जॉब और एक्सपीरियंस की तलाश में हो तो पहले इंटर्नशिप करना आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। इंडिया में 10 से भी ज़्यादा इंटर्नशिप के लिए वेबसाइट्स हैं, बट मैं आपको उनमें से टॉप 3 वेबसाइट्स को बताऊंगा इस वीडियो में। साथ में इंटर्नशिप से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले डिटेल में जानते हैं इंटर्नशिप क्या होता है। आजकल नए नए स्टार्टअप, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े कंपनीज हर साल इंटर्न्स को हायर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लो बजट में शॉर्ट पीरियड के लिए पोटेंशियल एम्प्लॉय मिल जाते हैं। उनका काम बहुत कम पैसे में निकल जाता है और इंटर्न्स को 2 से 6 महीने तक के रियल प्रोजेक्ट पे मेंटर की निगरानी में प्रैक्टिकल स्किल हासिल करने का सुनहरा मौका मिल जाता है। और साथ में इंटर्न्स प्रैक्टिकल स्किल सीखने के साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी सीखते हैं। सॉफ्ट स्किल जैसे कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, एक्टिव लिसनिंग जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल सीख जाते हैं। दोस्तों ज़्यादातर इंटर्नशिप में इंटर्न्स से बहुत हल्का काम लिया जाता है ताकि वो अपने स्किल को अच्छे से इम्प्रूव कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। साथ में जितने भी इंटर्नशिप होती हैं उनमें मैक्सिमम इंटर्नशिप में इंटर्न्स को स्टाइफन भी मिलता है। स्टाइफन यानी भत्ता भी मिलता है जो 1,000 रुपये हर महीने से लेकर 20,000 रुपये हर महीने तक होता है। अब ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर आप किसी नए स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़े कम मिलते हैं जो 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में होते हैं। लेकिन अगर आप किसी बड़े MNC में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 10,000-20,000 रुपये हर महीने तक स्टाइपेंड मिल जाता है। कुछ इंटर्नशिप पार्ट टाइम होती है, वर्क फ्रॉम होम, जिसमें स्टूडेंट घर बैठे ही अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से वर्क करते हैं। और कुछ ऐसे भी इंटर्नशिप होती है जो पार्ट टाइम तो होती है लेकिन वीक में 1-2 बार ऑफिस जाना पड़ता है। पार्ट टाइम जॉब वाले इंटर्नशिप मैक्सिमम डिजिटल स्किल वाले होते हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, डेटा एंट्री, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, अकाउंटिंग। लेकिन अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स जैसे ब्रांच से हो और आप इंटर्नशिप सर्च कर रहे हो तो आपको फुल टाइम ही ज़्यादातर चांसेस है मिलेगा। इंटर्नशिप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक डिजायर्ड फील्ड में काम करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और साथ में किसी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की। सीखने के बाद आपके मन में एक डाउट रहेगा कि एक्चुअल में ये काम कैसे होता है इंडस्ट्री में। आप बेसिक डिजाइनिंग तो करना जानते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, क्या डेली चैलेंजेस मिलते हैं, आजकल इंडस्ट्री में किस लेवल का ग्राफिक डिजाइनिंग किया जा रहा है, किस स्पीड में किया जा रहा है, कंपनी में जो टीम वर्क होता है किस तरह होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, ये सब चीज़ें तभी आप एक्सपीरियंस कर पाओगे रियल में जब आप डायरेक्ट कंपनी में जाके जॉब करोगे। तो ऐसे में अगर आप इंटर्नशिप अप्लाई करते हो फिर आप उस कंपनी में जाओगे, वहाँ पे आपको एक सीनियर मिलेगा जो ग्राफिक डिजाइनर का वहाँ का सीनियर होगा, उसके साथ काम करोगे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, वर्क कल्चर देखोगे, कैसे टाइम पे आना है, डिसिप्लिन देखोगे, सॉफ्ट स्किल सीखोगे, क्लाइंट से कैसे बात करना होता है, अपने सीनियर से कैसे बात करना होता है, ये सारा चीज़ आप सीखने लगोगे कैसे रियल में ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम होता है। तो दोस्तों इस तरह हमने समझ लिया इंटर्नशिप क्या होता है, इंपॉर्टेंट समझ लिया कितने तरह के होते हैं इंटर्नशिप। अब बात करते हैं इंटर्नशिप अप्लाई कैसे करें, कैसे आपको एक अच्छा इंटर्नशिप मिलेगा, कौन कौन सी अच्छी वेबसाइट्स हैं। तो दोस्तों इंटर्नशिप पाने के लिए 2 मेन रास्ते हैं, 2 मेन तरीके हैं। पहला अप्लाई थ्रू इंटर्नशिप वेबसाइट्स और दूसरा रेफरेंस। तो सबसे पहले तरीके को डिटेल में जानते हैं। इंडिया में कई सारे इंटर्नशिप के लिए वेबसाइट हैं जहां डेली हज़ारों डिफरेंट कंपनी के इंटर्नशिप आता रहता है। आप इन वेबसाइट्स पे अपना एक सुंदर प्रोफाइल बनाकर अलग अलग कंपनियों के लिए अप्लाई कर सकते हो और इंटर्नशिप पा सकते हो। तो आइए देखते हैं इंडिया की टॉप 3 बेस्ट वेबसाइट्स कौन सी हैं इंटर्नशिप के लिए। इन तीनों वेबसाइट को बताने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, हर स्टेट्स का अपना एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेबसाइट होता है दोस्तों, वहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप मिल जाएगा, उसको भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर जो वेबसाइट है इंटर्नशिप के लिए बेस्ट वेबसाइट, वो है internsala.com।
आप देख सकते हैं हम लोग internsala.com के होम पेज पे हैं। ये वेबसाइट इंटर्नशिप के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आप हर तरह के इंटर्नशिप सर्च कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क फ्रॉम होम का एक बटन है। यहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम जितने भी इंटर्नशिप हैं, जॉब्स हैं, वो सब आ जाएंगे यहाँ पे। पॉपुलर सिटीज़ में जैसे दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, आप यहाँ पे सिटी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब, इंटर्नशिप, फुल टाइम जॉब, फ्रेशर के लिए जॉब, यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च कर सकते हैं। ऊपर सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप प्रोफाइल वाइज, कैटेगरी वाइज डायरेक्ट इंटर्नशिप सर्च कर सकते हैं टाइप करके। ऊपर दोस्तों एक इंटर्नशिप का बटन है, इस पर टच करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन वाइज, प्रोफाइल वाइज, कैटेगरी वाइज इंटर्नशिप शो कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके जल्दी से ब्राउज कर सकते हैं, अपने सारे इंटर्नशिप को चेक कर सकते हैं। राइट कॉर्नर में एक रजिस्टर का बटन है, आपको इस पर रजिस्टर करना होगा और अपना प्रोफाइल बनाना होगा। दोस्तों यहाँ पे आप सारी डिटेल अपना भर दोगे तो ये आपका सीवी बना देगा, ऑटोमेटिक सीवी बना देगा। और सबसे अच्छा फीचर ये है internsala.com का कि ये आपको काफ़ी अच्छा सजेशन करता है कि अच्छा प्रोफाइल बनाने के लिए क्या क्या आपको डालना है, काफ़ी अच्छा सजेशन करता है। इसका जो एल्गोरिथम है बहुत अच्छा है और आप उस सीवी को डाउनलोड भी कर सकते हो। एक और काफ़ी अच्छा फीचर है internsala.com का कि जब भी आप किसी भी इंटर्नशिप में अप्लाई करते हो तो आप समय समय पर उसका स्टेटस चेक कर सकते हो, और जब भी आपका सिलेक्शन होता है किसी भी इंटर्नशिप में तो इमीडिएटली मैसेज आ जाता है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डेली आप अपने प्रोफाइल से रिलेटेड इंटर्नशिप सर्च करिए और अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप डेली 2-4 अप्लाई कर रहे हो तो बहुत जल्द आपका किसी ना किसी में हो जाएगा और आपको मैसेज आएगा प्रॉपर तरीके से कि आपका इसमें सिलेक्शन हो गया है। दोस्तों कोई भी इंटर्नशिप अप्लाई करने से पहले कंपनी की प्रोफाइल अच्छे से पढ़ लें, जॉब डिस्क्रिप्शन उन्हें क्रॉस चेक कर लें, लिंक्डइन पे है या नहीं, मतलब आप देख लें कि जो भी ये एम्प्लॉयर ने ये इंटर्नशिप जॉब ऑफर की है ये सही है या नहीं, एक बार आपको बस क्रॉस चेक कर लेना है। वैसे तो internsala.com इंटर्नशिप के लिए अच्छी वेबसाइट है और यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी जॉब पोस्ट हो रहे होते हैं सभी अच्छे होते हैं, फिर भी आपको अपने तरफ से क्रॉस चेक कर लेना है। दोस्तों अब बात करते हैं इस लिस्ट में सेकेंड नंबर पे जो वेबसाइट है इंटर्नशिप के लिए, वो है letsintern.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करके वेबसाइट पे जा सकती हो। इसका भी पूरा इंटरफेस internsala.com जैसा है। यहाँ भी आप काफ़ी अच्छे अच्छे इंटर्नशिप में अप्लाई कर पाओगे अच्छी अच्छी कंपनियों में। यहाँ पे डिफरेंट प्रोफाइल पे डिफरेंट सिटीज़ में आप डेली बेसिस पे इंटर्नशिप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों internsala.com जैसा यहाँ पे फीचर नहीं मिलता है, जैसे इंस्टेंट मैसेज का, सीवी डाउनलोड करने का फीचर, वो सजेशन का फीचर। लेकिन स्टिल ये अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे डेली बेसिस पे अच्छी अच्छी कंपनियों के इंटर्नशिप आते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो और सिलेक्शन का आपका मेल आता है यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से भी आप इंटर्नशिप अप्लाई कर पाओगे। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट में थर्ड नंबर पे जो इंटर्नशिप के लिए वेबसाइट है वो है glassdoor.co.in। दोस्तों glassdoor.co.in भी एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है इंटर्नशिप के लिए। यहाँ पे आप इंटर्नशिप के साथ साथ डिफरेंट कंपनीज के बारे में रिव्यू, रेटिंग, सैलरी, इंटरव्यूज सब कुछ चेक कर सकते हैं। इस साइट पे भी डेली बेसिस पे डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट प्रोफाइल पे डेली बेसिस पे इंटर्नशिप जॉब्स आ रहे होते हैं और इंडिया भर के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप अप्लाई करने से पहले उस कंपनी का रेटिंग और रिव्यू चेक कर सकते हो, उस पर्टिकुलर इंटर्नशिप का रिव्यू और रेटिंग चेक कर सकते हो। इससे काफ़ी आपको अच्छी इंटर्नशिप सर्च करने में हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये तो थे वो तीन वेबसाइट इंटर्नशिप के लिए जहाँ से आप इंटर्नशिप पा सकते हो। वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, स्क्रीन पे ये लिस्ट देख सकते हो, इतने तरह के वेबसाइट है, आप इनको चेक कर सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका जिससे आप इंटर्नशिप पा सकते हो। तो जो दूसरा तरीका है वो है रेफरेंस। मान लो आप XYZ कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखना है कोई आपका जानने वाला उस कंपनी में काम तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो आपके लिए बात कर लेगा HR से और आपका हो जाएगा वहाँ पे इंटर्नशिप में। लेकिन दोस्तों अगर आपका कोई भी जानने वाला नहीं है तो ऐसे में आप LinkedIn का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों LinkedIn पे हर एक कंपनी के HR का प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट हर एक कंपनी का। दोस्तों आपको क्या करना है, LinkedIn ऐप डाउनलोड करना है या फिर डायरेक्ट वेबसाइट से ही अपना प्रोफाइल बनाइए अच्छा सा और सर्च करिए XYZ HR इन XYZ कंपनी। जैसे ही सर्च करेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी का HR का प्रोफाइल आपके सामने होगा। फिर आपको क्या करना है, कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेज देना है, वो आपका कनेक्शन आपसे एक्सेप्ट कर लेगा, आपसे जुड़ जाएगा। फिर आप चैट के थ्रू उसे बात कर सकते हैं, अपना CV भेज सकते हैं और इंटर्नशिप पा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, इस वीडियो में हमने जाना इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप के फायदे, इंटर्नशिप कितने तरह के होते हैं, इंटर्नशिप के लिए तीन बेस्ट वेबसाइट कौन सी हैं, कैसे आपको इंटर्नशिप मिल सकता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।